उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जारी किया डेट शीट। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र जाने अपना डेट शेड्यूल। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अब 100% करवाएगा एग्जाम। अब आपको बता दें, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का डेट शीट आपको कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपली गूगल पे UU सर्च करना है। UU सर्च करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वेबसाइट मिल जाती है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आप पे फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आप एग्जामिनेशन सेशन में जाएंगे या फिर आपको नोटिस अनाउंसमेंट में मिल जाएगा टेंटिव विंटर एग्जामिनेशन डेट शीट February 2021। आपको सिंपली क्लिक करना है उस पर। आपके बाद अटैचमेंट आ जाएंगे जिसमें मास्टर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और बैचलर डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, आप बैचलर्स की डेट शीट सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, आप मास्टर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, आपकी डेट शीट आपके पास डाउनलोड आ जाएगी। साथ ही ये प्रोसेसिंग आप सेम डेस्कटॉप के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, आप डेस्कटॉप से इस मोड में यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एग्जामिनेशन नोटिस, वो बैचलर वो मास्टर प्रोग्राम्स की टेंटिव डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं विंटर सेशन प्रोग्राम्स की। सो गाइस, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने टेंटिव विंटर एग्जामिनेशन डेट से फरवरी 2021 ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज़ कर दी है 5 फरवरी 2021 की डेट पे। और साथ साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एग्जामिनेशन नोटिस भी जारी करा है, जो विंटर सेशन एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में हेल्ड होने वाले थे उसके रिलेटेड में कुछ इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन नोटिस में जारी की है। साथ साथ सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को डेट शीट एनालाइज करके बताऊंगा, आफ्टर दैट मैं एग्जामिनेशन नोटिस की तरफ मूव करूंगा। हाँ, वीडियो लॉन्ग हो सकती है, बट मुझे एग्जामिनेशन नोटिस भी आप सभी लोगों तक सूचना पहुंचानी है। साथ साथ आपको शीट भी एनालाइज करके बतानी है, जो बैचलर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है शायद डेट शीट एनालाइज करने में। और साथ साथ जो मास्टर के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हैं उनके रिलेटेड में भी मैं डेट शीट एनालाइज करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन डेट शीट February 2021 की। अभी टेंटिव डेट शीट यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दी है, शायद यही फाइनल डेट शीट हो सकती है। अदरवाइज अगर यूनिवर्सिटी कोई चेंजेस करती है डेट शीट में तो आपको उसकी रिवाइज और फाइनल डेट शीट मिल जाएगी, वेबसाइट में यूनिवर्सिटी अपडेट कर देगी। बट आपके एग्जामिनेशन में आपको बता दूं, जैसे बताया गया था 15 फरवरी 2021 से कंडक्ट करवाएंगे, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी ने मास्टर और बैचलर प्रोग्राम्स की 22 फरवरी 2021 से स्टार्टिंग करी है, साथ साथ 22 मार्च तक आपके ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 1 मंथ का टाइम पीरियड है, लास्ट आपके एग्जामिनेशन है, चाहे वो बैचलर प्रोग्राम्स की डेट शीट हो या मास्टर प्रोग्राम्स की डेट शीट हो, आपके 22 मार्च तक आपके फाइनल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब बात करेंगे बैचलर प्रोग्राम्स की डेट शीट एनालाइज की। बैचलर स्टूडेंट हैं उनको अपने सब्जेक्ट कोड कैसे चेक करने हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट कोड वाइज ही आपको डिटेल मिलेगी अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की, वो सब्जेक्ट कोड आपको पता होना चाहिए। इससे आप बहुत ईजी वे में अपनी डेट शीट चेकिंग कर सकते हैं, वो टाइम पीरियड अपना चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, 22 फरवरी 2021 को BAEC है, यानी व्यष्टि शास्त्र बैचलर ऑफ आर्ट्स BA 2017 प्रोग्राम जिनका है उनका BAEC यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का एग्जामिनेशन है, जिनका सब्जेक्ट कोड है BAEC 101। तो इस टाइप में जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की सब्जेक्ट कोड पता होने चाहिए, आफ्टर दैट अपनी डेट वो चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में है 9 से 11 बजे के बीच में, यानी आपका पेपर 2 घंटे का होगा, जिसमें सेक्शन ए वो सेक्शन बी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं पूरी डिटेल वीडियोस पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। जैसे BHM है, यानी बैचलर इन होटल मैनेजमेंट 101 जिनका प्रोग्राम या सब्जेक्ट कोड है। जैसे DHM है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट 101 जिनका सब्जेक्ट कोड है, DHM 101 जिनका सब्जेक्ट कोड है, उनका एग्जामिनेशन 22 फरवरी 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ साथ जैसे BSC PH 101 जिनका सब्जेक्ट कोड है, उनका एग्जामिनेशन भी 22 फरवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ साथ जैसे PH 01 है, जैसे BSC BO 101 जिनका सब्जेक्ट कोड है, BO 02 जिनका सब्जेक्ट कोड है, उनका एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 11 AM के बीच में 22 फरवरी को यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। साथ साथ अगर मैं सेकेंड शिफ्ट की बात करूं, BSC CH 301 जिनका सब्जेक्ट कोड है, BAED 301 जिनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट मैं बता दूं जिनके सेकेंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, BC 2015 प्रोग्राम्स है, BY 301 जिनका सब्जेक्ट कोड है, ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इनके एग्जामिनेशन यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ थर्ड शिफ्टिंग में, 3 से 5 के बीच में है, जिसमें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं,
जैसे BAEL 201 जिनका सब्जेक्ट कोड है 201 और BAEL जिनका सब्जेक्ट कोड है उनका एग्जामिनेशन थर्ड शिफ्ट में यूनिवर्सिटी करवा रही है 22 तारीख को 3 से 5 के बीच में। साथ साथ BSc इन जूलॉजी 201 जिनका सब्जेक्ट कोड है MT04 और BC07 जिनका सब्जेक्ट कोड है उनका एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट करवा रही है। ये मैंने बताया कैसे आपको अपनी डेट शीट और अपना डेटा चेक करना है जो फ्रेशर स्टूडेंट है। साथ साथ जैसे मैं बात करूँ BAEC 102 जिनका सब्जेक्ट कोड है यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स 2017 प्रोग्राम में जिनका BAEC 102 सब्जेक्ट कोड प्रोग्रामिंग कोड है या सब्जेक्ट कोड है उनका एग्जामिनेशन 23 फरवरी 2021 को यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। सो गाइस आई होप जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको क्लियर हो रहा होगा। जैसे BAEC है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट है इनका सब्जेक्ट कोड है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स 102। तो इस टाइप में आपको सब्जेक्ट कोड सर्च करना है और अपने सब्जेक्ट कोड के बेसिस पे ही आप अपनी डेट चेक कर सकते हैं। BCM 102 है ये कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और BC01 जिनका सब्जेक्ट कोड है साथ साथ BCM 102 जिनका सब्जेक्ट कोड है तो उनके एग्जामिनेशन 23 फरवरी को भी है। BHM 102 DHM 101 और DHM 101 सो इनके एग्जामिनेशन 23/2/2021 को यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करे हैं। सो गाइज आई होप आप जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। इस टाइप में आपको अपनी डेट शीट चेक करनी है अपने सब्जेक्ट कोड में। आपको जो स्टडी सेंटर से बुक्स मिली है उसमें सब्जेक्ट कोड लिखा होता है आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोड वाइज अपनी डेट शीट चेकिंग कर सकते हैं। ये मैंने बैचलर की बात करी अब बात करेंगे मास्टर प्रोग्राम्स की डेट शीट की। अगर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं मास्टर प्रोग्राम्स में मास्टर प्रोग्राम्स के एग्जामिनेशन भी 22 फरवरी से कंडक्ट करवाएंगी और फाइनल आपके एग्जामिनेशन 22 मार्च 2021 में कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपके पास मेनली यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट 12 से 2 बजे की है मास्टर प्रोग्राम्स की और अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ जहाँ पे आपको 3 बजे से लेके 5 बजे सेकंड शिफ्ट है जबकि ग्रेजुएशन में हमारे पास 3 शिफ्ट थी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की और यहाँ पे मास्टर में हमारे पास 2 शिफ्ट हैं जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में की अगर मैं बात करूँ जिसमें मास्टर प्रोग्राम्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर मैं सेकंड ईयर शिफ्ट की बात करूँ जिनका टाइम पीरियड 3 PM to 5 PM है उनकी अगर मैं बात करूँ उसमें सेकंड ईयर मास्टर प्रोग्राम्स को यूनिवर्सिटी ने ट्रांसफ़र करे हैं स्टूडेंटों को। और अगर मैं जैसे MCOM 01 जिनका सब्जेक्ट यहाँ पे कोड है और BOT 501 जिनका सब्जेक्ट कोड है MCM 101 और CHE 501 MAHI 101 और MAHI 01 PHY 501 और GE 501 जिनका सब्जेक्ट कोड है उनका एग्जामिनेशन 22 फरवरी 2021 को है मास्टर प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं एग्जामिनेशन टाइम आपका 12 से लेके 2 बजे तक है। साथ साथ अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं सेकंड शिफ्ट में हमारे पास MCOM 05 और MAUL 201 जिनका सब्जेक्ट कोड है MASO 05 जिनका सब्जेक्ट कोड है MASO 201 और LM 107 जिनका सब्जेक्ट कोड है उनका एग्जामिनेशन 22 फरवरी 2021 को यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। इस टाइप में मास्टर प्रोग्राम्स के जो स्टूडेंट हैं अपनी डेट शीट व टाइम शेड्यूल अपना परफेक्ट टाइम शेड्यूल चेक इन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 23 फरवरी 2021 की MCOM 03 जिनका सब्जेक्ट कोड है यानी MCOM प्रोग्राम्स के हैं और 03 जिनका सब्जेक्ट कोड है BOT 502 जिनका सब्जेक्ट कोड है MCM 102 सब्जेक्ट कोड है साथ ही CHE 502 जिनका सब्जेक्ट कोड है MAHI 102 जिनका सब्जेक्ट कोड है MAHI 02 जिनका सब्जेक्ट कोड है PHY 502 जिनका सब्जेक्ट कोड है साथ साथ GE 502 जिनका सब्जेक्ट कोड है उनका एग्जामिनेशन 23 फरवरी 2021 में यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी और ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट मास्टर प्रोग्राम का 12 बजे से 2 बजे के बीच में है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्रोग्राम की MCOM 07 जिनका सब्जेक्ट कोड है MAUL 202 जिनका सब्जेक्ट कोड है साथ साथ MASO 06 जिनका सब्जेक्ट कोड है MASO 202 जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है मास्टर प्रोग्राम के साथ साथ LM 108 जिनका सब्जेक्ट कोड है। इस टाइप में आपको अपने सब्जेक्ट कोड को ध्यान में रखते हुए अपनी डेट चेकिंग करनी है वो अपना शिफ्ट चेक करते रहेंगे। इस टाइप में आप अपनी डेट शीट को माइंड में रखते हुए और शिफ्टिंग चेक कर सकते हैं। साथ साथ कुछ कुछ प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी ने गैप थोड़ा रखा हुआ है और कुछ कुछ प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी गैप नहीं करा हुआ है और साथ साथ यूनिवर्सिटी ने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करवाए हैं। बैचलर की डेट शीट की बात करूँ बैचलर की डेट शीट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और मास्टर की डेट शीट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे COVID-19 महामारी के दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। मास्क ग्लव सैनिटाइजर एंड फेस शील्ड एंड सोशल डिस्टेंस का यथासंभव अनुपयोग अनिवार्य है। COVID-19
महामारी के मद्देनजर परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया गया है। परीक्षा अवधि मात्र 2 घंटे की होगी तथा प्रश्न पत्र के खंड क से 2 व खंड ख से 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित प्रश्न कोड के आधार पर ही परीक्षा दें। गलत विषय कोड की परीक्षा देने पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा परीक्षार्थी को उक्त विषय में अनुपस्थित माना जाएगा व कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षा समय सारिणी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है व प्रश्न पत्रों की क्रमबद्धता की गारंटी भी नहीं दी जा सकती है। परीक्षार्थियों के 2 प्रश्न पत्र एक ही तिथि व एक ही पाली में पढ़ने पर वे किसी एक प्रश्न पत्र में आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इस परिस्थिति में उस प्रश्न पत्र का शुल्क आगामी परीक्षा में समायोजित कर लिया जाएगा। अगर मैं ये मैंने मास्टर की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करी है, अगर मैं बात करूंगा तो बैचलर के भी सेम इस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, बट यहाँ पे अगर आप चौथे इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि FES-10A और FES-10, तो यहाँ पे जो ये आपके सब्जेक्ट कोड बताए गए हैं FES-10A और FES-10B, ये फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट के स्टूडेंटों के लिए हैं। साथ साथ FHVA-10 व FHVA-10A FHVA-10B, ये आपके FCS व FCSL जो ग्रेजुएट के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाए गए। इनके एग्जामिनेशन सेकंड ईयर में आपको कंप्लीट करना है। सो गाइज, आई होप आपको कंप्लीट तरीके से बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स की डेट शीट कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी छात्र छात्राओं को अपनी डेट शीट में कोई इश्यू होता है तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूँ। अब बात करेंगे, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी करा है आपके एग्जामिनेशन के संबंध में। विश्वविद्यालय की शीतकालीन सत्र माह दिसंबर 2020 से संबंधित परीक्षा तिथि व अन्य महत्वपूर्ण सूचना के संबंध में। ये नोटिस सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत आने वाले समस्त स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा व डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे मुख्य बैक सुधार विद्यार्थी हेतु लिखित परीक्षाओं का ही आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंटों को ये ध्यान में रखना है, जिन स्टूडेंटों का सेमेस्टर नहीं है, मतलब जिनका एनुअल प्रोग्राम्स है जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में जो स्टडी कर रहे हैं, उनके मेन एग्जामिनेशन, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन व बैक एग्जामिनेशन का ही रिटर्न पेपर होगा। अन्य सेमेस्टर प्रणाली में अध्ययन कर रहे मुख्य बैक सुधार, यानी आपके जो अदर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके मेन एग्जामिनेशन, बैक एग्जामिनेशन व इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी अप्रैल मंथ में कंडक्ट करवाएगी। परीक्षार्थियों के लिए सूचना बाद में अलग से जारी की जाएगी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ये पॉइंट क्लियर करा हुआ है, तो ये सारे पॉइंट आप सभी स्टूडेंट को अपने माइंड में कैरी करने हैं। साथ ही जो ये पेपर है आपके 22 फरवरी 2021 से के आपके 22 मार्च 2021 तक आयोजित करवाए जाएंगे और परीक्षा का शेड्यूल ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज कर दिया है। आपको बता दें, अब काफ़ी सारे छात्रों के माइंड में ये क्वेश्चन भी है कि हमारे जो एडमिट कार्ड है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में कब डिक्लेयर होंगे। तो मैं स्टूडेंटों को बता दूं, आपके यहाँ पे बताया गया कि 10 दिन पहले यानी 22 फरवरी से आपके एग्जामिनेशन है, तो 12 फरवरी तक आपके जो डेट शीट या आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज कर दिए जाएंगे। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। परीक्षाएं 3 पाली में आयोजित होंगी। तो जो परीक्षाएं हैं मैंने पहले बता दिया, जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी और जो मास्टर प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हैं उनके जो शेड्यूल है वो 2 शिफ्टिंग में यूनिवर्सिटी उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये बताए गए हैं। बात करें 5 पॉइंट में यूनिवर्सिटी ने बताया, कोविड-19 महामारी के चलते महामारी के संक्रमण को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाए हैं स्टूडेंटों को। इसमें मास्क लगाकर ही आपको परीक्षा केंद्र में एंटर करना है, साथ साथ परीक्षार्थी सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सैनिटाइजर अपने साथ ला सकते हैं। कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्देशों का पालन करने हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। यहाँ पे दिव्यांग स्टूडेंटों को बताया गया है कि उनको अपने प्रपत्रों को अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक इनको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अधिक जानकारी के लिए वो टोल फ्री नंबर पर वो examination@uu.ac.in के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं 7वें पॉइंट्स की बात करूँ, जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड पॉइंट्स है कि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे
आपको परीक्षा हेतु चयन किए गए हैं। उक्त परीक्षा से संबंधित जिन परीक्षार्थियों के द्वारा निम्न परीक्षा केंद्र शहर को परीक्षा देने हेतु चयन किया गया था, उन परीक्षा केंद्र शहरों में परीक्षार्थी संख्या कम होने के कारण उन केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा रही हैं। संबंधित परीक्षा केंद्र शहरों के परीक्षार्थियों को जिन परीक्षा केंद्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है विवरण निम्नलिखित है। यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर चेंजेस हुए हैं उनके डिटेल यहाँ पे बताई गई है। क्रम संख्या वाइज आप देख सकते हैं 8 एग्जामिनेशन सेंटर हैं जिनको चेंजेस करवाया गया है। साथ ही यहाँ पे परीक्षार्थी द्वारा चयनित परीक्षा केंद्र शहर का नाम बताया गया है, स्थानांतरित परीक्षा केंद्र शहर का नाम बताया गया है। तो आप अपने जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर चेंजेस किए गए हैं यहाँ से डिटेल चेक इन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लमगांव है जो उत्तरकाशी में है, उनको चेंज अब उसको स्थानांतरित कर दिया गया उत्तरकाशी में, ठीक है। जैसे जसपुर है वो उसे काशीपुर में उनका एग्जामिनेशन सेंटर ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे अमोड़ी है वो चंपावत में उसका एग्जामिनेशन सेंटर ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे थलीसैंण है उसको धुमाकोट में स्थानांतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सूचना पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसमें कुछ आपके चेंजेस किए जा सकते हैं अभी।